एक बार की बात है, रामपुर में कालिया नाम का एक चोर रहा करता था। एक दिन कालिया ने एक बड़े अमीर आदमी के यहाँ हाथ मारा और बाहर भाग रहा था। उस समय उसे कुछ दूर से पुलिस के जवान आते दिखे। तुरंत वो एक घर के पीछे की दीवार लांघकर अंदर कूद गया और वहां पर छिप गया। उस घर में एक औरत और आदमी जोर जोर से किसी मसले पर बात कर रहे थे। जिज्ञासावश कालिया खिड़की के पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगता है। पति ने एक तांबे की पत्ती अपनी पत्नी को पकड़ाई और कहने लगा, देखो मुझे ये तांबे की पत्ती गांव के बाहरी छोर पर एक पुराने मंदिर में मिली है। अगर हम इसमें बने निशानों के हिसाब से तलाशेंगे तो शायद एक छिपा खजाना हाथ लग जाए। इसे संभाल कर प्रार्थना घर में रख दो। उनकी बात सुनकर कालिया के दिल में लालच आ गया। उसे पिछले हफ्ते घटी एक घटना याद आ गई। उस दिन सुबह सुबह कालिया पास के गांव से लौट रहा था। रास्ते में उसने मलिक राम को देखा, जो एक पेड़ के नीचे अपने तोते से सबका भाग्य निकलवाता था और पढ़ के बताता था। कालिया ने भी उससे अपना भाग्य जानने की सोची। तुरंत उसने मलिक राम को एक रुपया दिया और उससे उसे भाग्य की गणना करने के लिए कहा। मलिक राम ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। फिर उस तोते ने पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाल दिया और वापस अपने पिंजरे में चला गया। फिर मलिक राम ने वो पत्ता उठाया और पढ़ने लगा, तुम्हें बहुत जल्द एक छिपे खजाने के बारे में पता चलेगा। उस रहस्य को जानने के बाद तुम अपनी मेहनत से उसे प्राप्त करना और फिर पूरी जिंदगी आराम से रहना। उस ज्योतिषी की बात को कालिया ने सच मान लिया था और उस दिन से वो उस छिपे हुए खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। इसीलिए जैसे ही उसने उस तांबे की पत्ती के बारे में सुना, उसने सोचा कि उस ज्योतिषी की बात सच होने जा रही है। फिर वो उस घर के पिछवाड़े आधी रात तक छिपा ही रहा। जब वो पति पत्नी सो गए तो वो धीरे से उठकर उनके घर के प्रार्थना कक्ष में गया और वो तांबे की पत्ती चुरा ली। उस तांबे की पत्ती पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कालिया को क्या लिखा है समझ नहीं आया। सुबह में उसने वो पत्ती ली और सुरैया नाम के एक पुजारी के पास गया। फिर उसने उस पुजारी को अपना चाकू दिखाया और उसे धमकाया, जल्दी से बता क्या लिखा है इस पर, नहीं तो घोंप दूंगा ये चाकू कले में। सुरैया ने इसे अपनी जानी दुश्मन मदन से बदला लेने का अच्छा मौका लिया और कालिया से बचने का तरीका भी। उसने झट से अपने दिमाग में एक योजना बना ली और फिर कालिया से कहा, कालिया मैंने इस पत्ती को अच्छी तरह से जांच लिया है। इस पत्ती पर उस छिपे खजाने का पूरा पता नहीं दिया, लेकिन ये जानकारी जरूर दी है कि इस खजाने के बारे में ताला बनाने वाले मदन के परिवार को सब पता है। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं है। ये सुनकर कालिया बहुत खुश हुआ और सुरैया को धन्यवाद दिया। फिर वो ताला बनाने वाले मदन के घर गया। उस समय मदन एक ताले और चाबी के साथ कुछ कर रहा था। तुरंत कालिया ने उसे भी एक चाकू दिखाया और बोला, ए मदन, पुजारी ने कहा है कि तुझे उस गुप्त खजाने के बारे में पता है और तेरे पास उसकी चाबियां भी है। इस तरह कालिया ने उसे धमकाया। मदन, जिसे उस खजाने का कुछ अता पता नहीं था, उसने उसको अपने जानी दुश्मन भूपति के मामले में लपेटने की सोची। हाँ भाई, उसकी चाबी मेरे पास थी, लेकिन कुछ दिन हुए जादूगर भूपति ने वो चाबी मुझसे ले ली। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो मुझ पर मंत्र मंत्र ना फूंक दे, इसलिए मैंने उससे भिड़ने की कोशिश नहीं की। इस तरह मदन ने उदास होने का नाटक किया। फिर कालिया उस जादूगर भूपति के पास जाने की सोचने लगा और उसी समय उस जादूगर के घर की ओर निकल पड़ा। उस समय भूपति अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने बक्से को गाड़ रहा होता है। कालिया को देखकर वो रुक गया और कालिया से आने का कारण पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो बक्सा चाहिए जो तुम गाड़ रहे हो, चुपचाप दे दो और अपनी जान बचाओ। भूपति की एक भी सुने बगैर कालिया ने उस गड्ढे से वो बक्सा निकाल लिया और उसे तोड़ भी डाला। उस डब्बे से एक कांच की बोतल निकली। उसे उस बोतल में कुछ जगमगाता दिखाई दिया और वो बड़ा उत्साहित हो गया। भूपति जोर से चिल्लाया, उसे खोलना नहीं। लेकिन कालिया ने उसकी नहीं सुनी और उस कांच की बोतल का
ढक्कन खोल दिया। तुरंत उस बोतल से सफेद धुआं बाहर निकल आया और कालिया को चारों तरफ से घेर लिया। कालिया समझ गया कि किसी दुष्ट आत्मा ने उसे काबू में कर लिया है और डर गया। तब भूपति उसके पास आया और गुस्से में बोला, अब तुम एक भूत के काबू में हो। इस भूत ने पहले एक और आदमी को काबू में किया था। मैंने बहुत जतन करके उस भूत को पकड़ा था, लेकिन जब मैं उसे गाड़ रहा था तुम आ गए और उसे बाहर निकाल दिया। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब करो जो करना है, भुगतो। मैं क्या करूं? कालिया ने अपना सिर धुन लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, बचाओ मुझे इस भूत से, बचाओ। भूपति को दया और कालिया के अंदर से उस भूत को बाहर निकाल दिया। कालिया की अकल ठिकाने आ गई और उसके बाद भूले से भी किसी ज्योतिषी पर भरोसा नहीं किया। अम्मा पालिम नाम के गांव में मुकुंद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक बड़ा सा खेत था, लेकिन बंदर उसके खेत की फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। जाहिर है मुकुंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इतनी मेहनत से उगाई गई उसकी फसलें खराब हो जाती थी। एक दिन वो अपने खेत आया, उसने वहां बंदरों को कूदते देखा। उसने एक डंडा लेकर उनको डराने की कोशिश की। सारे बंदर वहां से भाग गए, लेकिन उनमें से एक बंदर गलती से फिसल कर वहां के एक छोटे से तालाब में गिर गया। वो डूबने से बचने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। तुम मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, अब मेरी बारी है, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। उसने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। वो बंदर अपने मन में सोचने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं यहाँ आकर तुम्हारे खेत को नहीं उजाड़ूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो डर के मारे चिल्ला पड़ा। मुकुंद ने उसकी चीखें सुनी, तुम्हारा जीवन अब खत्म, तुम्हारी मौत देखकर आज के बाद एक भी बंदर मेरे खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। वो अपने दोस्त महेश को वहां ले आया और उसे बताया कि क्या हुआ। बंदरों को सबक सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम एक बड़ा सा डंडा लेकर आओ, हम इस बंदर को तब तक कूटेंगे जब तक ये मर नहीं जाता। उन दोनों ने मिलकर बंदर को मारना शुरू कर दिया। बंदर जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन उन दोनों ने दया नहीं दिखाई और उसे मारते ही रहे। वो बंदर दर्द से चिल्लाता रहा, इस बंदर के लिए ये सजा काफी नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए। फिर मुकुंद ने उस बंदर के गले में एक रस्सी बांधी और उसे पेड़ से लटका दिया। बेचारा बंदर अपनी जान के लिए तड़पता रहा, लेकिन उन्हें दया नहीं आई। देखो ये बंदर कैसे तड़प रहा है। सच में कूदते हुए देखने से ज्यादा मजा इस बंदर को तड़पते हुए देखने में आ रहा है। इसे मरते हुए देखना कितना मजेदार है। दुख की बात कि काफी देर तड़पने के बाद बंदर की जान निकल गई। महेश, एक गड्ढे में ढेर सारी पत्तियां डालो, हम इसे जला देंगे। ठीक है। ये कहकर महेश ने पत्तियों का ढेर बनाया। मुकुंद ने बंदर के शरीर को उन पत्तियों पर रखा और आग जला दी। बंदर का शरीर उस आग में जलने लगा। वो दोनों वहां खड़े होकर आराम से ये नजारा देख रहे थे। तभी वहां पर वन विभाग अधिकारी आ गए और वहां हो रहे इस बुरे काम को देखकर हैरान रह गए। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। मूर्ख आदमियों, तुमने एक बेचारे जानवर के साथ ऐसा क्यों किया? फिर मुकुंद ने विभाग अधिकारी को पूरी बात बताई। उसने कहा, पापियों, तुम एक मासूम बंदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भगवान हनुमान की पूजा करते हो और तुमने एक बंदर को अपने हाथों से इतनी निर्दयता से मार डाला। तुम दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अभी क्या अभी चलो। वो उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछताछ की। मुकुंद ने माना कि उन दोनों ने मिलकर इस बंदर को मार डाला। सर, हमने अपने खेत को बचाने के लिए ऐसा किया, हमारा और कोई इरादा नहीं था। हमने सोचा था कि ऐसा करने से और कोई बंदर फिर हमारे खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। तुमने एक बड़ी गलती की है, एक जुर्म किया है। पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को ये कहते हुए जेल में डाल दिया कि बंदरों की स्वाभाविक आदतों की परवाह किए बिना तुमने मासूम बंदर को इतनी बड़ी सजा दी।